हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा। एस्ट्रो मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर स्पेशल शो एस्ट्रो मंत्रा। आज मित्रों 4 मई दिन शनिवार साल 2024 है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो कि सुबह के 5:38 तक रहेगी। इसके बाद दसवीं तिथि, इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्रों की बात करें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, जो कि रात्रि 10:07 तक रहेगा। इसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। योग में इंद्र योग है, जो कि सुबह की 11:04 तक रहेगा। इसके बाद वैधृति योग है, करण में वाव करण है, जो कि सुबह के 10:03 तक रहेगा। उसके बाद बलव करण होगा। शक संबत 1946, क्रोधी नाम संवत्सर, विक्रम संबत 281, पिंगल नाम संवत्सर। आज सूर्य मेष राशि में स्थित हैं। आज चंद्रमा 4:38 तक कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। आज सूर्य का नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। मुहूर्तों की बात करें तो पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त 4:12 सुबह से 4:55 तक, प्रातः संध्या 4:34 से 5:38 तक। आज का अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:51 से 12:45 दोपहर तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:25 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:57 से शाम को 7:18 तक। आज का सायं संध्या शाम को 6:58 से रात्रि 8:02। आज मित्रों अमृत काल भी है। अमृत काल 2:47 दोपहर से शाम को 4:15 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से रात्रि 12:39 तक। त्रिपुष्कर योग रात्रि 8:38 से रात्रि 10:07। ये रहा मित्रों आज का विशेष पंचांग और महामुहूर्त। बात करते हैं अब हम आज का एस्ट्रो मंत्रा की राशिफल। मित्रों आज सबसे पहले मेष राशि का बात करेंगे। मेष राशि, आपका भविष्य आपके हाथ। आज आपका भविष्य 70% आपके भाग्य साथ देगा, 30% कर्म साथ देगा। शुभ रंग आपका लाल रंग है और शुभ रत्न आपका मूंगा है। आपके जो ग्रह के स्वामी हैं वह मंगल हैं। मंगल आज आपके शरीर में ऊर्जा अधिक देंगे। आज बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा दिखता है। आज आप अध्यात्म की तरह ज्यादा रहेंगे। आज सुबह से ही प्रातःकाल से योग प्राणायाम ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान हनुमान जी की पूजन करें और साथ ही साथ गुस्सा पर काबू रखें। आज हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ओम जय 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 धुनी होत आकाशा, हनुमत धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नासा, चरण शरण कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब कही गोहराओ। इस प्रकार का जो महामंत्र है यह मित्रों बजरंग बाण में है, और इस महामंत्र का जप करना है। मेष राशि वाले जातक, बहुत ही आनंद आएगा इस महामंत्र का जप करने से। आज के दिन इस महामंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर आज का दिन शुभ होगा। बात करते हैं एस्ट्रो मंत्रा की अगली राशि वृषभ राशि, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं, और वृषभ राशि वाले जातक 60% भाग्य साथ देगा, 40% कर्म साथ देगा। आपका ग्रह शुक्र ग्रह आपके अंदर ऊर्जा देगा। ऊर्जा किस प्रकार का देगा? राजसी ऊर्जा, राज सत्ता शक्ति की प्राप्ति का ऊर्जा। आज आपके मन में आलस्य बहुत आएगा, राजसी मन होगा। भोजन में विशेष रूप से मसालेदार भोजन को त्यागने की जरूरत है। गैस्ट्रिक की समस्याएं हो सकती है। आज विशेष रूप से वृषभ राशि वाले जातक, आज विशेष रूप से गुलाब जल से
अपने घर के मंदिर में माँ भगवती की मूर्ति के ऊपर गुलाब जल को अर्पित करके स्नान कराएं। अगर माँ भगवती की मूर्ति माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं है तो आपके मंदिर में कोई तस्वीर भी हो वहाँ पर गुलाब जल चढ़ाएं। और साथ ही साथ यह महामंत्र विशेष रूप से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा नीचे ये नवार्ण मंत्र है। इस महामंत्र का जप करते हुए माता के ऊपर गुलाब जल चढ़ाना है और साथ ही साथ ओहुल का पुष्प चढ़ा करके माता का पूजन करना है। आज का दिन निश्चित तौर पर शुभ होगा। शुभ अंक 6, 6, 15, 24 अंक वाले आपके लिए लाभकारी रत्न हीरा और माँ भगवती की कृपा। आज आपका दिन शुभ हो यही कामना के साथ। अगली राशि मिथुन राशि, भाग्य 80%, कर्म 20%। मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन स्वास्थ्य में पीड़ा परेशानी दिखती है, ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य में पीड़ा होगी, परेशानी होगी, वाहन से भय, शत्रु से भय। और साथ ही साथ रत्न पन्ना आपके लाभकारी, गणपति देव विशेष लाभ देंगे। वक्र तुंडा महाकाय सुस्कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु में देव सरकार सर्वदा। गणपति ओम वक्र तुंडेक दृष्टाय क्लीम ह्लीम श्रीम गम गणपति वर वरद सर्वजनम में दशमानाय स्वाहा। इस महामंत्र के साथ आज के दिन विशेष रूप से गणपति का ध्यान करें। आज का दिन आपका शुभ हो यही कामना के साथ। बात करते हैं मित्रों अश्व मंत्रा की अगली राशि कर्क राशि, स्वामी ग्रह चंद्रमा। कर्क राशि वाले जातक 70% भाग्य साथ 30% कर्म। भगवान शिव आपके शुभ देवता, चंद्रमा आपके शुभ ग्रह। आज आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, गुस्सा पर काबू रखना है। और ड्रीम्स कम्स ट्रू, लंबे समय से जो प्लान कर रहे थे वह सफलता पाएंगे। आज आपके घर में अच्छी वाहन का सुख का उपभोग का योग दिखता है। शुभ रंग सफेद, शुभ अंक 7, 7, 16, 25 लाभकारी, शुभ रत्न मोती, पूज्य देवता भगवान शिव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस महामंत्र के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। आज का दिन आपका शुभ हो यही कामना के साथ। बात करते हैं मित्रों अगली राशि सिंह राशि, एस्ट्रो मंत्रा की अगली राशि सिंह राशि है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। शुभ रंग गुलाबी है और आज आपका भाग्य 50-50, 50% भाग्य साथ देगा, 50% कर्म साथ देगा। शुभ रत्न माणिक्य, पूज्य देवता भगवान सूर्य। और विशेष रूप से आज के दिन आपको जल्दीबाजी में किसी निर्णय को नहीं लेना है। सिंह राशि वाले जातक मित्रों आज के दिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, सोच समझ करके निर्णय लें, प्लान करके किसी कार्य को करें। धरातल पर जो चीज दिखता है उसी का समर्थन करें। आज के दिन विशेष रूप से सिंह राशि वाले जातक, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आलस्य को त्यागें, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर जो बच्चे परीक्षा पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। सिंह राशि वाले जातक आज के दिन भगवान सूर्य की कृपा की प्राप्ति होगी। श्वेत पदम धरम देवम तम सूर्य प्रणमाम्यहम लोहितम रथमारूढ़म सर्वलोका पितामहम। इस प्रकार के महामंत्र भगवान सूर्य की उपासना के लिए बहुत लाभकारी है। तो सिंह राशि वाले जातक इस महामंत्र से आज के दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ होगा। बात करते हैं मित्रों अगली राशि यानी कि कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। आज आपका भाग्य 80% साथ देगा। शुभ रंग हरा, 5, 14, 23 अंक लाभकारी, शुभ रत्न पन्ना, पूज्य देवता गणपति। और आज आपके भाग्य में बढ़ोतरी के लिए, भाग्य की वृद्धि के लिए विशेष रूप से नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्त्रे नमः।
इस महामंत्र का जप करना है और आज आपका जो यात्रा का योग बन रहा है वह देव स्थल का बन रहा है, तिरुपति बालाजी का दर्शन कर सकते हैं, आज कांची गाम कोटी का दर्शन कर सकते हैं, आज आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, बाबा बैद्यनाथ का दर्शन, आज देवस्थल का दर्शन करना है और वो भी पुरुष देवस्थल, आज देवालय में जाना है और विशेष रूप से नमो सिद्धि विनायकाय सर्वकार्य कर्त्रे नमः इस महामंत्र के साथ दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। अगली राशि तुला राशि, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं, आज आपका भाग्य 60% साथ देगा। आज स्नान करते समय गंगा जल डाल करके स्नान करें और गंगा जल के साथ हल्दी भी डाल करके स्नान करें। लंबे समय से जिसका विवाह नहीं तय हो रहा है आज तय होगा, विवाह में सफलता मिलेगी। जिसके संतान नहीं है उन्हें भी आज संतान की सफलता का योग बनता है। 6, 15, 24 तारीख आपके लिए विशेष कारगर रहेगा, हीरा रत्न विशेष लाभकारी रहेगा। माँ भगवती का ध्यान साधना करें, भगवती का यह महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का जप करें, आज का दिन शुभ होगा। बात करते हैं मित्रों एस्ट्रो मंत्र में अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन विशेष रूप से भाग्य 70% साथ देगा, कर्म 30% साथ देगा, भाग्य के बल से धन की प्राप्ति, शेयर्स में लाभ दिखता है, क्रिप्टो करेंसी में लाभ दिखता है, जमीन जायदाद में लाभ दिखता है, खरीद बिक्री से लाभ दिखता है, पैसे का अच्छा आगमन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी है। वृश्चिक राशि वाले धन की प्रभावशाली प्रभाव में आज प्रसन्न रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ अंक 9 है, 9, 18, 27 लाभकारी है। रत्न मुंगा, पूज देवता हनुमान जी, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम हनुमते रुद्रात्मका ओम पठ ओम अरकाय नमः इस महामंत्र का जप करें मित्रों, निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अगली राशि धनुराशि, एस्ट्रो मंत्रा की अगली राशि धनुराशि। स्वामी ग्रह बृहस्पति, शुभ रंग पीला, शुभ अंक 3, 12, 21, 30। आज मित्रों 60% भाग्य साथ देगा, 40% कर्म साथ देगा। आज नदी स्नान का विशेष महत्व है, आप जहां भी हैं वहां नदी में स्नान करें। नदी स्नान गंगा से जमुना सरस्वती नर्मदा से गोदावरी कृष्णा कावेरी, हजारों नदियां हमारे देश में हैं, नदी से स्नान करें। जो नदी से स्नान नहीं कर सकते, नदी का जल घर में है गंगा जल, उससे स्नान करें। लंबे समय से चल रहा मानसिक परेशानी में कमी आएगी और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आज भगवान विष्णु जी की कृपा होगी, इस महामंत्र के साथ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस महामंत्रों के साथ आज के दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर आज का दिन शुभ होगा। बात करते हैं मित्रों अगली राशि मकर राशि, जिसके स्वामी ग्रह शनि देव है। शुभ रंग काला, शुभ रत्न नीलम, भाग्य 80% साथ देगा, कर्म 20% साथ देगा। शनि देव की कृपा से आज आपको यात्रा से सफलता, धन की प्राप्ति, पुराने मित्रों से मुलाकात, संतान सुख के साथ साथ शनि देव की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। नीलांजन समाभाष्यम रविपुत्र यमागर्जम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम, इस महामंत्र के साथ आज के दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर आज का दिन शुभ होगा। बात करते हैं मित्रों अगली राशि कुंभ राशि, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव है। कुंभ राशि वाले जातक शुभ अंक 8, 17, 26 आपके लिए लाभकारी, 60% भाग्य साथ देगा, कर्म 40%, शुभ रत्न नीलम। आज के दिन किसी के पीछे में बुराई ना करें, शत्रु बन सकते हैं, जो बोलना है मुंह पर बोलें। और आज लोहा क्रय लाभकारी नहीं होगा। शुभ देव शनि देव, ओम कृष्णाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात, इस महामंत्र से दिन की शुरुआत करें, आज का दिन शुभ होगा।
बात करते हैं अंतिम राशि एस्ट्रो मंत्रा की। अंतिम राशि मूल राशि स्वामी ग्रह बृहस्पति देव, शुभ रंग पीला, 30% भाग्य, 70% कर्म साथ देगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर तस फल चाखा। आज झूठ की पुलिंदा जो बांधे हुए हैं उसको त्याग दें, वास्तविकता के जीवन जीने की कोशिश करें। अविश्वास में जी रहे व्यक्ति विश्वास पात्र लोगों को साथ रखें, अविश्वासी लोगों को साथ ना रखें। साथ ही साथ आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस महामंत्र के साथ संतान सुख के साथ आज की शाम विशेष असमंजस से समाप्ति की ओर अच्छा दिन होगा, यही कामना के साथ हरे कृष्णा। मित्रों आगे हम बात करते हैं 4 मई के अचूक उपाय। घर में आर्थिक तंगी चल रही है, उससे मुक्ति के लिए तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा 1 लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़िया बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन धान की आगमन होता है। सभी राशि के जातकों के लिए बता दूं कि श्री सुक्तम का पाठ लाभकारी होता है। इस प्रकार श्री सुक्त का महामंत्र है, ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम स्वर्ण रजस्त्रजाम चंद्रम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो महाभव ताम जात वेदो लक्ष्मण पगामनी यश्याम हिरण्यम विद्देहम गामश्व पुरुषानहम अश्पूर्वामृत मध्याम हस्तिनाद प्रबोधनी श्रीयम देवी मुपवे श्रीमाम देवी जुस्ताम। 16 श्लोक का विशेष यह महामंत्र है। श्री लक्ष्मी देवी माँ लक्ष्मी देवी को प्रसन्नता के लिए श्री सुक्त का पाठ करें, सभी राशि के जातकों के लिए लाभकारी होगा। आपका दिन शुभ हो इसी कामना के साथ हरे कृष्णा।